हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एंड इसको आप जो भी आपके घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हो उनसे बना के और बारिश के मौसम में इंजॉय कीजिए। सो बिना किसी देरी के देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले डो लगाएंगे। मैंने ये बन बोल आटा लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। 3 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आटे में अजवाइन भी मिला सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए आटा। और थोड़ा थोड़ा पानी करके डो लगा लेंगे। आटा टाइट होना चाहिए। डो को अच्छे से मैश करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए आटा चिकना हो गया है। इसी तरीके से अच्छे से आटे को लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल या फिर घी जो भी आप डालना चाहे डालेंगे। ये थोड़ा सा जीरा चटकने के बाद में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसको। ये अनियन चॉप्ड, इसको भी भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूलना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। ये थोड़ी सी हरी मटर है, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़े से कटे हुए टमाटर हैं, ये गाजर, इसको ग्रेट कर लिया था। थोड़े से ये कॉर्न्स हैं, रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट आपके पास हैं वो ऐड कीजिए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, काली मिर्च, थोड़ा सा ये गरम मसाला था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हाफ कुक करना है। तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इसको ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टमाटो सॉस और थोड़ा सा ये चिली सॉस भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। अगर आप इसमें सॉस ऐड करना नहीं चाहते हैं तो लेमन जूस या फिर आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ग्रेटेड चीज़ है, इसको इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास में है तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से चलाते रहेंगे। चीज़ को ऐड करने से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। चीज़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। स्टफिंग बनके एकदम रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो डो लगा के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इस तरीके से इसको पीसेस में डिवाइड करके इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। और एक बॉल को मैंने लिया है और इस तरीके से रोल करना है। ये देखिए इस तरीके से पूड़ी की तरह बना लेंगे। पूड़ी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, इस तरीके से। और ये ग्लास मैंने लिया है, जिस साइज़ का आप रखना चाहें। आप चाहें तो एक कटोरी ले सकते हैं। मैंने एक ग्लास से इसको कट कर लिया है और इसके जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं वो मैं निकाल दे रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारी पूड़ियों को बेल लिया है और इसमें अभी ये स्टफिंग डालेंगे इस तरीके से। और इसको सील करने के लिए इसके किनारों पर पानी लगाएंगे इस तरीके से। और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ये जिससे कि अच्छे से चिपक जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला भी बंद कर लेंगे और इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसको मैंने सर्कल शेप में बनाया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। और एक फॉक को लेके इस तरीके से किनारों से इसको प्रेस कर देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा।
इस तरीके से, और अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे। एक बार ये स्नैक रेसिपी ज़रूर बना के देखिए, आपके घर में सब बहुत पसंद करेंगे। देखिए बन चुका है। इसको बिल्कुल गोल करने के लिए मैंने ग्लास से इसको कट किया है, और जो भी इसके एक्स्ट्रा एजेस हैं मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से एकदम से देखिए राउंड शेप में बन के तैयार है। चौकोर शेप में बनाने के लिए इस तरीके से पूड़ी को बेल के और इसको चौकोर शेप में कट कर लेंगे और बीच से डिवाइड कर लेंगे। इसके भी जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं निकाल देंगे। इस तरीके से पूड़ी के दो हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से में ये स्टफिंग डालेंगे। इस तरीके से स्टफिंग डालते टाइम ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग है वो किनारों पे ना जाए, और इसके भी किनारों पे पानी इस तरीके से लगाते हुए जो दूसरा वाला पार्ट है इसके ऊपर इसको रख के प्रेस करते हुए इसको सील कर देंगे। इस तरीके से प्रेस करना है और इसको भी फॉक से इसी तरीके से प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छे से बंद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसके भी जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो चाकू से निकाल देंगे और इसको एकदम चौकोर शेप में कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए चौकोर शेप में बन के तैयार है। और इसको फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम किया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो फूल जाएगी और खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। इनको लो फ्लेम पर पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरीके से देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से सेंकना है आपको और इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये गर्मा गर्म खस्ता स्नैक बन के तैयार है। बारिश के मौसम में इसको आप टमाटो केचप या फिर चाय के साथ में सर्व कीजिए। देखिए कितना टेस्टी स्नैक बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई